और इस बीच लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। हाथरस कांड में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। आज हाईकोर्ट में पेश की जा सकती है एसआईटी की रिपोर्ट। सरकार अपने पक्ष को कोर्ट में जांच रिपोर्ट के साथ रखेगी। गृह सचिव भगवान स्वरूप ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम कार्यवाही के भी संकेत। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाथरस कांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट आपको बता दें दाखिल कर दी है और आज हाई कोर्ट में एसआईटी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। सरकार अपने पक्ष को कोर्ट के सामने रखेगी जांच रिपोर्ट के साथ। गृह सचिव भगवान स्वरूप ने रिपोर्ट शासन को सौंप दी है और एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर डीएम पर कार्रवाई के संकेत भी मिल रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। शिवा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। शिवा, आज एसआईटी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जा सकती है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है शिवा? डीएम पर कार्यवाही हो सकती है इस रिपोर्ट के सौंपे जाने के बाद? देखिए अदिति, हाथरस कांड को लेकर के तमाम अटकलें थी और इसीलिए सरकार ने एसआईटी का गठन कर उस पूरे मामले की जांच एसआईटी के अफसरों से कराने को कही थी और भगवान स्वरूप जो बड़े आईपीएस अफसर है उसकी अध्यक्षता में ये एक कमेटी गठित हुई थी और काफी दिन लग गया उस पूरे मामले को जांच करते हुए। आज ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट में भी हाथरस कांड को लेकर के सुनवाई है और होम सेक्रेटरी तरुण गाबा और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को इस मामले में बुलाया गया था, तलब किया गया था। तो सरकार अपना पक्ष मजबूत करने के लिए एसआईटी की रिपोर्ट लेकर के हाईकोर्ट पहुंच सकती है और ये कहा जा सकता है कि वो कार्रवाई का ब्यौरा हाईकोर्ट के सामने रखा जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में, स्पेशल बेंच में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी कि पुलिस अफसरों ने और जो जिला प्रशासन की जो कार्रवाई है किस तरीके से प्रभावी बनाई गई और किस तरीके से वहां किसको सजा दिलाई गई और कैसे कानून व्यवस्था पर पूरी तरीके से काबू पाया गया और कौन कौन लोग दोषी है। तो ये कहा जा सकता है कि आज सरकार का जो एक रुख है वो बहुत बहुत ज्यादा सख्त हो सकता है। एक वो दोषियों के नाम जो है वो हाईकोर्ट के सामने रख सकता है कि किसकी वजह से क्या हुआ था वहां पर हाथरस कांड पे। और आज 2:15 पर स्पेशल बेंच हाईकोर्ट की बैठेगी और वहां पर सरकार अपना पक्ष रखेगी और पक्ष रखने के बाद कोर्ट का क्या रुख होता है, सरकार को किस तरीके से डायरेक्शन दिए जाते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवा।